हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ ऑरेंज फूड कैफे में, जहाँ का बिरयानी काफ़ी स्पेशल होता है और मोमो भी काफ़ी स्पेशल होता है और काफ़ी डिफरेंट टाइप का मोमो मिलता है। और यहाँ पे नेपाली कुक के द्वारा मोमो को बनाया जाता है। आज यहीं पे टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे क्या टेस्ट है। देखिए, ठीक भी बाजार के सामने, वो भी बाजार के सामने और ठीक पेट्रोल पंप के सामने ऑरेंज फूड कैफे है। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब हम ओनर से बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? अताउल्लाह रहमान। अच्छा, क्या फेमस है आपके यहाँ? मेरे यहाँ का बिरयानी हो गया, चिकन रोल हो गया, मोमो हो गया, और भी बहुत सारे आइटम हैं जो मेरे यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट। पनीर का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, आइटम उठा लीजिए, वो सब फेमस है मेरे यहाँ का। ये पनीर पकौड़ा हो गया, पनीर चिल्ली हो गया, मेरे यहाँ का मटन हांडी एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। मटन हांडी? हाँ, मटन हांडी बहुत ही अच्छा बनता है मेरे यहाँ, कभी भी आप लोग आके ट्राई कर सकते। चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी हमारे यहाँ 150 है। दूसरे जैसे होटल से हम लोग बहुत कम रेट रखे हुए, जैसे दूसरे होटल में 200-220 है, लेकिन हम लोग बस कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं। और मेरा मटन बिरयानी का 200 रुपया दाम है। मटन बिरयानी भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। और सारे जो भी है फास्ट फूड, जितने भी मेरे होटल में जो भी है, सबका रेट बहुत सस्ता है। स्टूडेंट लोगों को देखते हुए इन सबों का रेट रखा गया है। फास्ट फूड में क्या क्या? फास्ट फूड में आपको रोल हो गया, चाउमीन हो गया, फिर से आपको चिल्ली वगैरह हो गया, चिकन चिल्ली, ये सब बहुत सारा चीजें है। क्या है टाइमिंग इसका? टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है। अच्छा, और ये एड्रेस क्या हुआ? एड्रेस आपको चनमारी चौक मोतिहारी, इंडियन पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में है, केजी वाटिका पीछे ये हुआ आपका भवन है, जहाँ पर शादी विवाह होते हैं। भी बाजार? जस्ट भी बाजार के जस्ट अपोजिट में है। कॉन्टेक्ट नंबर? 9931425968। होम डिलीवरी है? हाँ, होम डिलीवरी है, स्विगी वगैरह पे ऑनलाइन डिलीवरी भी है, स्विगी के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। जो लाए हैं इनका नाम हुआ आया छिनाल, जो ये बेनी बाजार से है नेपाल में। और चाउमीन रोल मोमो, यही है। इन लोगों को नेपाल से बुलाए स्पेशल, यही 3-4 आइटम बनाने के लिए। ये कुछ कस्टमर से रिव्यू लेते हैं। क्या खा रहे हो? अल्फा। क्या टेस्ट है इनका? अच्छा ही है। क्या नाम होगा तुम्हारा? मोहित। क्या खा रहे हो? चिकन चिल्ली। क्या है टेस्ट? हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है। हाँ, तुम बताओ। हाँ, सही है, पनीर चिल्ली खा रहे और टेस्ट अच्छा है। अब हमेशा आते? हाँ, हमेशा आते। चलो गुड, खाओ। ये हो गई अपनी चिकन मोमो, ये हम लोग की प्लेट लग रही है चिकन मोमो की। और ये क्या हो गई? ये हो गई अपनी भेज मोमो की प्लेट लग रही है। ये हो गया चाट मसाला, हो गई मोमो चटनी। ये देखिए प्लेट हम लोग की तैयार हो गई है। ये देखिए
चिकन बिरयानी बन रही है। और यहाँ पे देखिए चिकन की क्वांटिटी, साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। क्या बना रहे हैं? बिरयानी बना रहे हैं, चिकन बिरयानी। अब बनाइए। चिकन आलू है, इसमें भी चिकन आलू अभी है, समझे ना, दोनों है। ये ग्रेवी उसका भी बनाए है, समझे ना, और ये सब मसाला भी पूरा है। ये पूरा कटा हुआ प्याज, हाँ भुरुन प्याज है, भुरुन प्याज इसमें है, लेम्बू है, मिर्चा है, धनिया है, समझे ना। ये इधर ग्रेवी उसका है, इधर सब मसाला बिरयानी बिरयानी मसाला है, अंडा है, हाँ समझे ना। वो रोगन है उसका ऊपर वाला, रोगन मारने के लिए थोड़ा पानी है। ये गुलाब पानी है, ये मीठा अतर है, ये जफरान है, इसी में कलर के लिए देते हैं। ये बिरयानी मसाला है, और ये घी है, वो भी बिरयानी मसाला है, अंडा है, चिकन है, आलू है। ये चिकन में ग्रेवी डाले हैं आप, देखिए अब ऊपर से बिरयानी मसाला डाली जा रही है, ऊपर से कटा हुआ भुना हुआ प्याज डाली जा रही है। उसके बाद क्या है, धनिया, धनिया की गार्निशिंग हो रही है, हरी मिर्च को डाली जा रही है। अच्छा, तीखा के लिए पानी गर्म हो रही है। ये देखिए गर्म पानी में तेज पत्ता को डाली जा रही है। उसके बाद इलायची को डाली जा रही है, ये हो गई बड़ी इलायची, ये हो गई दालचीनी डाली जा रही है, लौंग डाली जा रही है, और इसके बाद किशमिश को डाली जा रही है, और इसके बाद काजू को डाली जा रही है। देखिए कितनी काजू डाली जा रही है, हेवी क्वांटिटी में। देखिए ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी की चावल है, ये बिरयानी पूरा बिरयानी चावल है, क्वालिटी अच्छा होता है, लंबे लंबे एकदम चावल पूरा है, समझा। ये देखिए ये डाली जा रही है बासमती चावल, इसके बाद नमक को डाली जा रही है। मटन बिरयानी भी है, भेज बिरयानी भी है, तीनों बिरयानी अभी फिलहाल चल रहा है यहाँ पर, अभी तीनों बिरयानी चल रहा है। केवड़ा पानी है इसमें, गुलाब पानी है, केवड़ा पानी है, गुलाब पानी है, ये जफरान है, जफरान, हाँ ये जफरान है, इसका थोड़ा कलर है इसमें हल्का पीला, ऊपर से मारने के लिए पीला कलर होने के लिए हल्का, बस फुल चावल हो गया। अब इसमें डालेंगे चिकन वाला में, चावल इसमें गया, दूसरा अंडे बना रहे हैं, 20 प्लेट का है ये। केवड़ा गुलाब का पानी बनाए थे, ये इसमें थोड़ा हल्का मारने के लिए, प्याज ब्रून करके ऐसी, धनिया ये हो गया, हल्का मीठा अतर मार दे रहे, बिरयानी मसाला, जैसी घी है, घी है, घी हो गया। चलो इसका ढक्कन ला दोनों के अंदर, ढक्कन ला वो, ये दोनों दम पर हो गया है। चिकन बिरयानी तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इधर भी बिरयानी तैयार हो गई, ये बिरयानी एकदम कलरफुल दिख रही है और काफी टेम्पटिंग दिख रही है। भी है, तंदूरी भी है, टोटल आइटम जितना बनता सब कुछ यहाँ पूरा, हर कुछ पूरा तैयार रहता है।
की प्लेट आ चुकी है। ये हमें मिला है चिकन बिरयानी, और ये है इसके साथ सैलेड, और ये है रायता भेज मोमो, और ये हो गई चिकन मोमो। तो पहले हम ट्राई करेंगे इनका भेज मोमो, ठीक है। अब इनके साथ तीखी वाली चटनी के साथ हम खाएंगे। चटनी जो है काफी तीखी है इनकी। अब हम इनका ट्राई करेंगे चिकन मोमो। देखिए अंदर चिकन की फिलिंग्स है, इसको हम ट्राई करेंगे तीखी चटनी के साथ चिकन मोमो। स्वाद इनका अल्टीमेट है, काफी शानदार टेस्ट है इनका। ये देखिए ऐसा ये है सिर्फ इनका जो मोमो है वो नेपाल के जो कारीगर हैं वो आके यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए इनका यहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट मिल रहा है। और ऐसे भी मोमो नेपाल का फेमस होता है। चलिए अब हम लोग खाते हैं, साइड करते हैं। अब हम लोग खाते हैं इनका चिकन बिरयानी। ये देखिए क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिला हुआ है इसमें। चिकन बिरयानी में मिला है लेग पीस, और ये साइज देखिए कितना बड़ा साइज है। तो एक अंडा और एक मिला है आलू कटा का है, उसी टाइप का ये बिरयानी है। वहाँ पे बिरयानी में आलू को दिया जाता है, वैसे ही यहाँ भी बिरयानी में आलू को दिया जा रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इनका चिकन बिरयानी। चम्मच से इसको नहीं खाएंगे, खाएंगे इसको हाथ से। खुशबू काफी, मतलब काफी खुशबू आ रही है। और चावल देखिए कितनी अच्छी चावल है, ये एकदम दानेदार चावल है, और काफी उनकी क्वालिटी की ये चावल है। और घी की खुशबू काफी आ रही है। खा के काफी मजा आ गया, अल्टीमेट है, काफी अच्छा है। अब हम खाएंगे इनका लेग पीस। ये देखिए और चिकन भी, जो इनका चिकन है वो प्रॉपर ढंग से पकी हुई है। ये देखिए काफी सॉफ्ट है, एकदम छूते ही अलग हो गई पीस। तो लेंगे सैलेड और उसके साथ ये रायता, गाढ़ी है रायता, इसको डालेंगे हम बिरयानी में। भाई साहब टेस्ट इसके इतना शानदार है कि अगर आप एक बार भी खा लीजिएगा तो यहाँ पे दौड़े हुए चले जाइएगा, इसके इतना अच्छा टेस्ट है। इसको खाते हैं हम अंडा के साथ, आलू करते हैं टेस्ट। ये देखिए अब करते हैं मिक्स आलू को और अंडा को। इनका दूसरा पीस फ्राई चिकन का, इतना बड़ा साइज का पीस कोई देता नहीं है यहाँ पे। इनका साइज देखिए कितना बड़ा है, आराम से तोड़े, आराम से कट गई, इतनी सॉफ्ट है ये। ये चिकन बिरयानी खा के काफी अच्छा लगा, और इनका जो चिकन मोमो है, वेज मोमो है, वो भी काफी अच्छा लगा। लेकिन मुझे चिकन बिरयानी और ये चिकन मोमो मुझे काफी ही अच्छा लगा। मेरा बिरयानी टेस्ट ही कैसा लगा? हमको तो बिरयानी बहुत अच्छा लगा। हाँ, नाथ में काम किया है, समझा ना, बम्बई में किए, पूना में किए, विदेश रहे 10 साल, यहाँ 10 साल विदेश भी रह के आए हैं, होटल में वहाँ भी काम किया है। बिरयानी काफी अच्छा लगा, और मैं ये जरूर कहूंगा आइए आप ही खाइए और यहाँ पे इंजॉय कीजिए। और मैं इस होटल का लिंक मैं डाउन बॉक्स में दे दूंगा, तब तक सबको खाते हैं और वीडियो को एंड कर रहे हैं।